सुहाई एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत के अंदर रखे। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए वेकेशंस के हवाले से नई अपडेट्स आई हैं। सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो आप लोगों को कब से होने जा रही हैं, इसके साथ साथ आपके जो तलीमी इदारे हैं वो मज़ीद काफ़ी देर के लिए जो है वो बंद होने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई, आप लोगों ने भी न्यूज़ के अंदर सुना होगा कि भाई कोरोना वेरिएंट जो है वो आ चुका है, मतलब कोरोना के मतबादल एक ऐसा वायरस आ चुका है जिसने जो बाकी हमारे ममालक हैं, बरतानिया वगैरह, ठीक है, यूके और साथ साथ अमेरिका वगैरह, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंगामा कर रखा है। और भाई फ्लाइट्स वगैरह तमाम चीज़ें वहाँ पर बंद कर दी गई हैं। अब स्कूल्स वगैरह के हवाले से भी नई अपडेट्स आई हैं और इस वायरस का नाम है ओमिक्रोना, आई थिंक इस तरीके का कोई नाम है। तो ये वायरस जो है अभी काफ़ी फैल रहा है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्या हमें जो है वो छुट्टियां मिलेंगी, क्या सर्दियों की छुट्टियों के अंदर इजाफा होगा, या सर्दियों की छुट्टियां भी हमें इस दफ़ा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, अगर मिलती हैं तो कब से लेकर कब तक मिल जाएंगी। ये तमाम चीज़ें मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी सवाल हों इन चीज़ों के बारे में वो ख़त्म हो सके। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक एक दफ़ा कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ताकि इस तरह की नई अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहली बात, इंशाल्लाह आपके लिए जल्द जल्द जो है वो आपके लिए इम्तिहानात के हवाले से भी वीडियोस वगैरह जो हम अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपरली। और इसके अलावा बात करें कि भाई क्या भी सूरत हाल है, तो भाई आप लोगों को सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से ये अपडेट्स आई हैं। मे भी जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर मीटिंग हो और उस मीटिंग के अंदर जो है वो जायजा लिया जाए कि भाई सर्दियों की छुट्टियाँ जो हैं वो कब से दी जानी है। हमें जो अभी तक है फिलहाल डिटेल्स पता चली हैं वो ये हैं, क्योंकि भाई आपको पता है जो हमें डिटेल्स पता चलती हैं वो फाइनल डिटेल्स होती हैं और अपडेट्स होती हैं, उन्हीं अपडेट्स के हिसाब से जो है फिर चीज़ें फॉलो करवाई जाती हैं। और आपके अपडेट्स ये है कि मे भी आप लोगों को सेकंड वीक जो है दिसंबर का, उससे जो है वो आप लोगों को सर्दियों की छुट्टियां जो है वो दे दी जाए। अब ये जो वायरस आया है, मे भी हो सकता है कि इस वायरस की वजह से जो है वो आप लोगों के स्कूल कॉलेज वगैरह दोबारा से बंद हो जाएं लंबे अरसे के लिए, क्योंकि अभी पिछले साल यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये चार महीने जो है वो काफ़ी खतरनाक हैं, क्योंकि भाई सर्दी आती है, सर्दी की वजह से ये वायरस जो है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल हो जाता है और फिर जो है कहने के काम खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए फाइनल अपडेट्स अभी फिलहाल यही है कि मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद इंशाल्लाह फैसला होगा। मैं भी उम्मीद है कि भाई सेकंड वीक से जो है वो आप लोगों को विंटर वेकेशन जो है वो दे दी जाएंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, और आपके ख्याल में क्या अभी आपको जो है वो सर्दियों की छुट्टियाँ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए और कितनी देर के लिए मिलनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लाजमी बताइएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत के अंदर रखे और हम सबको इस खतरनाक वायरस से बचाए और हम सबको बहुत बहुत कामयाबी ता फरमाए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।